That has been established long back, Jared. And manners are lacking. वो उसका सिर में दर्द है और हम गए हैं तो इसमें हम बहुत बड़ा पाप नहीं कर दिए कि हाँ इस चीज को लेके बोल रहे हैं। और एक बात इच्छा आप कहना चाहते हो कि आपको एक इंसान चिल्ला के बोल दिया कि आप शोर मत करो, उसके बाद आप अंदर जाके फिर लोगों के साथ घिट पिट कर रहे हो, वो आपने गलत नहीं किया, वो पाप। हम क्या बोल रहे हैं, हम गलत कर सॉरी बोल रहे हैं, बट मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था जिसको जाके जगाना है या फिर कुछ। वो इंटेंशन लेके कोई नहीं जाता, बट इतनी समझदारी होनी चाहिए हर इंसान में कि अगर इतना बड़ा ऑलरेडी पहली बार आपने किसी को चिल्लाते हुए देखा है सोने के चक्कर में, तो अब आप उनको स्पेस दे सकते हो। अब आप अंदर जाके ही ना करो, दिस इज नॉर्मल कर्टेसी, दिस इज नॉर्मल माइंडसेट। इंसान की समझ में इतनी बात आ जाती है। मैं ये उसके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो भी अगर चिल्लाया तो मैंने उसको यही बात बोली कि तू भाई प्यार से बात कर सकता था, तेरे को हमने हमेशा इतनी वो तो इज्जत दी है और इतना हम किसी भी इंसान को जो सो रहा है ऊपर तो इतना हम समझते हैं, पागल नहीं है, यहाँ गधे नहीं है, समझ हमारे में भी इंसान है। क्या कर लिया चिल्ला के, खुद की आवाज चली गई, चिल्ला ले और भाई तीसरी बार भी आई थी नहीं भाई, इतनी हिम्मत ही झाकने भी आई थी, उसके बाद झाक रही थी अंदर की क्या सीन चल रहा है अंदर। हाँ तो मेरा पता है, मैसेज देख रहे हैं बाहर से। Morning tonight when we go to sleep, I will wake up as usual to go to the toilet and I will come back to my bed. I will go on each and every single one of them, uncover them, shake them, okay, get up. Once they get up, once they wake up, I'll go to my sleep. I will do that tonight. So that's what he is saying. I will show them how it looks. I didn't want to do this because I was afraid to wake you guys up. That's why. That was the only reason why I didn't do it. But I was planning to do it. I came. If I do this now, Buja, Gia, Bebika, and Avinash will wake up. I went to my bed. You should do once. They need a tit for their tat. I'm not disrespectful, Bebika. That's I know you very well. I never screamed ever since I came. I yelled for you and I thought they'll understand. Abhishek calmed himself down. I didn't know she went in. He came here in the bathroom and we were talking. Then after a while, even they came to listen. What are we talking? So I don't know when this happened. I wouldn't have allowed them. So now I think he was explaining to her over there, but which is of no point. Exactly. इतना कल भी हमको चिल्ला के बोला मनीषा, this is not you are sorting. फिर भी तू देखी, हम भी तो सुबह बोल सकते थे कि, पर हम वो चीज को समझ रहे कि नहीं वो था तो वो उसका चिल्लाना उसका बनता है, तो हम तो एक बार भी उंगली नहीं उठाएंगे तूने मुझ पे क्यों चिल्ला दिया बिना बात का। कहीं ना कहीं हम उसका प्रॉब्लम को समझ रहे इसलिए इस बात को उंगली नहीं उठा, तो उसको भी मेरा इंटेंशन को समझना चाहिए ना कि अगर आप ये पॉइंट बोलते हो ना कि आप बिग बॉस में आए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाहिलों की तरह चिल्लाने लग जाएं। इस बात को समझ नहीं आती कि आपको बिग बॉस में आए हैं 10 बंदे रह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं कि आप किस इंसान के साथ कितना एडजस्ट कर सकते हो। हर चीज में ये सोचना कि मैं अगर 40 बात बोल दूंगा तो मैं सही हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप पॉइंट 40 बात बिग बॉस में अगर आप बिग बॉस में आए हो, अगर आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हो, आपका पूरा हक है। अगर आपका लाइट्स ऑफ है आप बोल सकते हो कि अविनाश और फलक दी प्लीज आप थोड़ा सा मेरे को स्पेस दे दो, मुझे लगता है कि हमको दूसरा को डिस्टर्ब नहीं करना। वो आपका पीओवी है, अगर लाइट्स ऑफ हो गई वो सो रहा है तो वो शायद ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उतना एडजस्ट करो, पर अगर आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप ये मत सोचो कि अगर लाइट्स ऑफ है मैं बिग बॉस में हूँ तो मैं तो रात को डांस करूंगी। कर लो आप डांस फिर और बोल दो उसके सबको सो, ऐसा करो रात को 1 बजे जब सब सो रहे हैं आके बर्तन पीटो और बोलो आप तो बिग बॉस में आए हो, आपको घर का वाला कंफर्ट नहीं मिलेगा। कोई सेंस नहीं है उस बात का, आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि अगर वो चिल्ला रहे रात को तो वो सही है, बट हमारी एक बेसिक कर्टेसी है अगर कोई सरदर्द में पड़ा है तो हम एक उसको स्पेस दे सकते हैं, बस इसका पॉइंट। अगर तुमको समझ आता है तो ठीक, अगर तुमको नहीं समझ आता तो बिग बॉस में आयो 12 बजे से आप रात के 4 बजे तक ठक 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 करो, तो हम रोज ठक ठक कर रहे हैं ना 4 बजे रात, करो आपकी चॉइस है। आप वही बोल रहे हैं रोज कर रहे हैं क्या, ऐसा खुद मेरा इससे पहले भी हुआ कि जब कुछ आता तो हम डर के मारे भाग जाते हैं। वो नहीं समझ आ रहा ना तो तू भी तो मेरा इंटेंशन नहीं समझ रहा ना, हम तो बोल ही रहे हैं। मैं आपकी इंटेंशन पे शक नहीं कर रहा, मैंने आपकी समझदारी पे शक करा है।
कोई समझ हम क्या बोल रहे हैं कि वो मेरे पे चिल्लाए तो चिल्लाने पे हम उठा सकते थे ना आवाज, बट हमको पता है कि वो मेरा गलती है, मैं आपके इंटेंशन पे वो मेरा गलती है इसीलिए बस नहीं। आप मान गए आपकी गलती, बात खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं मैंने आपको बोला कि आपके पास कोई इविल इंटेंशन है या आप जबरदस्ती वहां गए, पर एक समझदारी बनती है कि इंसान ने पहले ही आपको समझा दिया, उसके बाद भी आप उसी कमरे में जाके शोर मचा रहे हो, तो फिर सोचना शुरू करो ना थोड़ा। कब तक वो आपको फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देके सोचा, अरे नहीं ये तो मनीषा है, इसके तो इंटेंशन प्योर होंगे, थोड़ा वो भी तो समझ, बस समझने को बोला है और कुछ नहीं बोला। ये नहीं बोल रहा कि तेरे इंटेंशंस गलत हैं, नहीं बोल रहा। तू भी तो यही बोल रहा ना कि आपको आप गलत किया आपने जाके ये वो करके अंदर, तो इस पॉइंट पे ही हम अभिषेक बोले कि हम कुछ ऐसे इंटेंशन लेके नहीं गए थे कि वो सो गया उसके सिर में दर्द वो हो गया। आपके इंटेंशन टारगेट करें, मैंने बोला आपने ना समझी करी, इतना होने के बाद भी आप अंदर चले गए और फिर आप फुसफुसा रहे हो जो भी कर रहे हो, आई डोंट नो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, व्हेन आई सी कि इंसान ऑलरेडी इतना हो चुका है फिर अंदर जाके शोर कर रहा है तो वही गधा है कि भाई फिर तो तुम जबरदस्ती जान के छेड़ रहे हो किसी को। यही तो मेरा क्लियर करना था ना कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को तेरे इंटेंशंस पे अगर शक होता तो मैं तेरे ऐसा नहीं है, बट एक समझदारी बन के एक बड़ा 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 दिमाग भी होता है यार। सब यहाँ अलग अलग लोगों ने समझ, हम मेरे अंदर जो है वो 37 उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं, तो ये मेरा है ना, हम रियल लाइफ में ऐसी हैं। अब हम एक चीज कर दिए, हम उस पे गुस्साने पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि हमको पता हम गलत है, यही जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर हम तो क्योंकि हम उसने गलत किया कि फिर उस कमरे में जाके फुसफुसाना या इधर उधर की बात करना वो ना समझी है, हम तो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना समझी क्यों नहीं बोल रहे हैं। पे कोई नहीं बोलेगा, अगर मैं हूँ यहाँ पर या बाहर कोई है वो उनको पता है कि ये है चुलबुली है, खटखट है, बिना दिमाग से सोच समझे कुछ चीज़ें कर देती है, ठीक है, नो वन इज डिनाइंग दैट, नो वन, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों को ना समझे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी और का समझ के ही उसके बात को माइंड नहीं किया अभिषेक, तो समझ बस फिर बात बस वही चीज है ना कि उसको ना समझे, अगर अगर वो कोई और रहता और ऐसे चिल्ला के बोलता तो हम उस पर भी लड़ लेते हैं कि क्यों चिल्ला रहे हैं इस बात पे, हम तो नहीं कर रहे, बट हम चुपचाप बाहर निकल गए इसलिए यही सोच के कि नहीं यार हाँ मेरा गलती है, उसको सोने देना चाहिए, हम आ गए। मैं दूसरी बारी की तो कह नहीं रहा, मैं पहली बारी की करके आया हूं उससे बात, पहली बार में तो मैंने उसको बोला कि तू अगर प्यार से आके हमें बोलता है, प्यार से नहीं, अब जैसे हो गया आप चेंज नहीं कर सकते, और जैसे बात हो गई रात में जो भी होते हैं तो इसका हक बनता था बोलने का सुबह आके सॉरी भाई मैं चिल्लाया, सॉरी ऐसे भी बोल सकता, बिल्कुल अगर वो एक मैच्योर और ये इंसान होता ना तो बिल्कुल बोलता है ये बात, बल्कि हम इससे कह रहे हैं कि अगर इससे पूछ रहे मैंने सब पूछे बहुत अच्छी बात बोल दी, अगर ये चीज हम तो कभी जिंदगी में ना करे, बड़ा करे रहे तो मैं सुबह आके अगर अभिनय मिले सॉरी यार मेरा बहुत दिमाग खराब था कल हम चिल्ला दी मुझे नहीं करना चाहिए, जैसे हम सुबह बोले बेबी का को ये सॉरी, हाँ बिल्कुल यहीं पे तू लोग का बड़ापन दिख जाता है, जुड़ते ही तो बस यही तो लोग का दिख जाता है ना।